नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अमेरिका से शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए बताया है कि जो जोड़ता है वो योग है। इसीलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसीलिए इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। मुर्मू ने कहा कि योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के पहले दिन पीएम मोदी की मुलाकात इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि बातचीत काफी अच्छी रही। मस्क ने कहा कि ये बेहतरीन और बहुत अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। मस्क ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके हम भारत आ सकें। मस्क ने आगे कहा कि भारत में न्यू एनर्जी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसमें सोलर पावर, बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि शामिल हैं। उन्हें आशा है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में जल्द आ सकती है। चीन ने पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को यूएन में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर फिर अड़ंगा लगा दिया है। इस प्रस्ताव को भारत और अमेरिका ने पेश किया था। वहीं पिछले वर्ष सितंबर में भी चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को रोक दिया था। बता दें कि साजिद मीर पाकिस्तानी आतंकवादी है जो 26/11 मुंबई हमले में शामिल था। 5 दिन चले इस हमले में 166 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। मणिपुर में हिंसा और आगजनी की वारदात अब भी जारी है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शांति भंग को रोकने के प्रयास में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट पर प्रतिबंध 25 जून तक के लिए और बढ़ा दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व छवियों, अभद्र भाषा और अभद्र वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसे लेकर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नकली दवाओं के मामले में बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करता है। उन्होंने कहा कि खांसी रोकने के लिए भारत निर्मित सिरप के कारण कथित मौतों के बारे में कुछ हलकों में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद 71 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनमें से 18 को बंद करने को कहा गया है। एक चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान मनसुख मांडविया ने बताया कि हम विश्व की फार्मेसी हैं और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम दुनिया की गुणवत्ता वाली फार्मेसी हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। दरअसल बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में जवानों की संयुक्त पार्टी के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है। जवानों ने नक्सली कैंप व स्मारक ध्वस्त कर वहां से बड़ी संख्या में सामान बरामद किए हैं। वहीं दंतेवाड़ा से आई पार्टी वापस लौट रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा प्लांट की गई IED ब्लास्ट होने से DRG का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $2.7 अरब के निवेश से सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाएगी। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अहम बात यह है कि इस संयंत्र की स्थापना गुजरात में की जाएगी। इस संयंत्र को $1.34 अरब का प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान माइक्रोन के अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं।